चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को चौपट राज्य बताना मध्य प्रदेश का अपमान है, यह प्रदेश की जनता का अपमान है। कांग्रेस ही मध्य प्रदेश को चौपट बनाने की कोशिश करती थी। कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज कसते हुए शिवराज ने कहा, लूट के माल के लिए जय और वीरू आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को चौपट राज्य बताना पूरे प्रदेश और जनता का अपमान है। अगर कमलनाथ को मुझसे बैर है तो मुझे गाली दें, पर मध्य प्रदेश का अपमान ना करें। कमलनाथ जी का ये प्रदेश है ही नहीं, उनको मध्य प्रदेश लगाव है ही नहीं, उनका नारा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक तो आप मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो, मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि लूट के माल के लिए जय और वीरू आपस में लड़ रहे हैं। पहले भी मिस्टर बंटाधार ने पूरे मध्य प्रदेश को लूट कर तबाह और बर्बाद कर दिया था, और सवा साल तक कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया, अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है। जय और वीरू झगड़ रहे आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटाधार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। सवा साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। कमलनाथ पर तगड़ा निशाना लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को सेठ कहो तो वो आपत्ति व्यक्त करते हैं, तो कमलनाथ को सेठ ना कहूं तो और क्या कहूं, मजदूर कहूं क्या, फसल काटने वाला कहूं या गिट्टी उठाने वाला कहूं। कमलनाथ का एक पैर देश में रहता है तो दूसरा विदेश में, सेठ को सेठ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कल मैंने उनको सेठ कहा तो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सेठ हूं क्या, मैं उद्योगपति हूं क्या। तो श्री कमलनाथ जी को मैं सेठ ना कहूं तो क्या कहूं, मजदूर कहूं, फसल काटने वाला कहूं, गिट्टी मिट्टी उठाने वाला कहूं। वो स्वयं कहते हैं मैं निजी प्लान पे घूमता हूं। अब निजी प्लान किसान के पास नहीं होता, गरीब के पास नहीं होता, मजदूर के पास नहीं होता, उनके एक पांव देश में रहता है एक पांव विदेश में रहता है। उनने खुद अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, क्या गरीब की संपत्ति है ये। इस सेठ को सेठ ना कहें तो क्या कहें, आखिर इतनी संपत्ति तो सेठ और उद्योगपतियों के पास ही होती है भाई, तो सेठ को सेठ कहने में आपत्ति क्या है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।